hit the subscribe button and press the bell icon to get the latest updates of my channel, Your Indian Reviewer. Hey guys, I welcome you all to my channel, Your Indian Reviewer. तो आज हम बात करेंगे कि एक ऐसे फ़ोन के बारे में जिसका कैमरा 15,000 के प्राइस पे बहुत ज़्यादा अंडर रेटेड है क्योंकि उसके ब्रांड ने सही से ऑप्टिमाइज़ नहीं कर रखा है. जी हाँ, हम बात करेंगे एसुस के बारे में जो कि बहुत अच्छा फ़ोन है. बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी है और OS भी ठीक ठाक ऑप्टिमाइज है. ज़्यादा नहीं अच्छा ऑप्टिमाइज नहीं है, बग्स काफ़ी हैं बट फिर भी. और हार्डवेयर बहुत सॉलिड हार्डवेयर है, कोई भी कहीं दिक्कत नहीं है. बट सारे यूट्यूबर्स जो कंपेयर करते हैं वो स्टॉक कैम से करते हैं, तो आप इसका ट्रू पोटेंशियल नहीं जान सकते बिना Gcam यूज़ करें. तो मेनली मैं आपको यही दिखाऊंगा इसमें कंपेयर करके. चलिए पिक्स देखते हैं. तो इसमें मैं ये पहला शॉट है Gcam पोर्ट्रेट के साथ. इसमें आप पॉज करके देख सकते हैं कि पिक्चर्स कैसे आए हैं. ये आपको डिफरेंस खुद पता चल जाएगा. मैंने मेंशन भी कराया है कौन सा कैसी कंडीशंस में लिया गया है. मेरे हिसाब से डायनामिक रेंज Gcam की बहुत ज़्यादा अच्छी है. HDR प्लस मोड बहुत अच्छा काम करता है, कोई कंपेयर नहीं कर सकता. पोर्ट्रेट भी Gcam से बहुत अच्छे आते हैं बट आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स पर मैंने देखा है कि ज़्यादातर स्टॉक कैम के ज़्यादा अच्छे पोर्ट्रेट आते हैं बट Gcam के बाकी सब में बहुत अच्छे आते हैं. इवन लो लाइट परफॉर्मेंस भी इस कैमरे की डिसेंट है, कोई ऐसी ख़राब नहीं है. हार्डवेयर बहुत अच्छा है. अगर आप देखेंगे फ्लैश वाला जो क्लिक है उसमें Gcam ने कितना अच्छा परफॉर्म करा है एक्सपोजर कंट्रोल करके. सेम इसमें देखिए आप ट्यूब लाइट पर फोकस करके. ये स्नैपसीड के साथ एडिट करा गया है. अगर आप स्नैपसीड को देखें तो ये बहुत अच्छे पिक्चर्स एडिट कर लेता है और वन ऑफ द बेस्ट ऐप है गूगल प्ले स्टोर में. अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को ये लेना चाहिए. जो लोग कंफ्यूज हैं इसके कैमरा को लेके, बहुत अच्छा कैमरा है मैं पहले ही बता देता हूँ. जो लोग पोको बाय नहीं कर सकते उनके लिए 15,000 में बेस्ट है ये फ़ोन. और आप ये भी बता सकते हैं, मैं अगर आपको लगता है कि कोई और कैमरा है बेस्ट है तो मैं उसके साथ भी इसे कंपेयर कर सकता हूँ Gcam के शॉट्स को और स्टॉक के शॉट्स को. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर ऊपर कार्ड में भी बता सकते हैं. मैं एक पोल छोड़ दूंगा, उसमें ज़रूर आप अपनी वोटिंग करिए.